सुरक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुक्रवार को पहुंचे गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ का किए दर्शन पूजन, सीएम योगी ने कराया उन्हें गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के उपरांत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर सकते हैं गीता प्रेस का भी भ्रमण। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारी हंगामे के बीच भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल किया पेश। वहीं लोकसभा में सदर सांसद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक को पेश करके पैदा किया सियासी उबाल। कहा, नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा यह दोनों निजी विधेयक। कोई भी व्यापारी जीएसटी के छापेमारी के डर से दुकान ना करे बंद। इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस पर हो रही है जांच। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर करवाए रजिस्ट्रेशन, विभाग करेगा पूरा सपोर्ट। वाणिज्य कर गोरखपुर जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 विमल कुमार राय ने दी जानकारी। दो शातिर लुटेरों उग्रसेन चौहान उर्फ लाला एवं रामबचन उर्फ नाटे को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 अवैध पिस्टल को किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। लालीपॉप लागे लू गाने पर असलहा लहराते हुए दो युवकों ने बांसगांव थाना क्षेत्र में डीजे पर किया डांस। लेडी डांसर संग लगाए जमकर ठुमके, वीडियो हुआ वायरल। जांच में जुटी पुलिस। जीएसटी की छापेमारी के अफरा तफरी भरे माहौल के बीच विभिन्न व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई संपन्न। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन ने कहा, सरकार की मंशा नहीं है कि व्यापारियों का हो उत्पीड़न। व्यापारियों के साथ किसी भी तरह की कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। छब्बीस अक्टूबर को ग्राम जांगीपाड़ में युवक को चाकू मारकर हत्या करने में वांछित 15,000 के नामी अभियुक्त शैलेंद्र निषाद को कोरावाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने दी जानकारी। निकाय चुनाव में मतदान वाले दिन कोई भी मतदाता, एजेंट, कार्यकर्ता मतदान वाले स्थल के 100 मीटर दायरे में नहीं लेकर जाएगा मोबाइल और लिक्विड। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल इंडिया विषय पर महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थापक समारोह के अंतर्गत अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया भाग। 10 दिसंबर को प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा सम्मानित। चार साथे चोरों रामप्रीत उर्फ चिरई उर्फ चिरैया, पंकज पासवान, मनीष चौहान और गुड्डू निषाद उर्फ धर्मेंद्र निषाद के ऊपर कोरबड़ थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी सिटी ने दी जानकारी। यातायात माह के अंतर्गत चलाए गए जागरूकता अभियान से सुधरी जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि वह ट्रैफिक रूल का करे पालन और रोड पर चलते समय बरते सावधानी ताकि उनका व दूसरों का जीवन रहे सुरक्षित। और स्थापना दिवस पर आपदा से बचाव के लिए सिविल डिफेंस के द्वारा वृहद मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, भवन में फंसे व्यक्तियों को रेस्क्यू कर लोगों को आपदा से बचाव की दी गई जानकारी।